पहले से चल रही थी और लेकिन अब कांग्रेस का विधायक विरोधी खेमा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और रामपुर कांग्रेस का आस्था के स्थल पर भी सिर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के राजमहल प्रांगण में ही विधायक के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की है और इसके साथ उन्होंने कहा कि अब इसके बाद बताते चले कि 15 वर्षों से वह प्रतिनिधित्व कर रही हैं और इसके बाद जो वहां पर जो लोग थे, जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा कि अब वर्तमान विधायक को आगे से टिकट ना दिया जाए। तो वही कांग्रेसी विधायक को टिकट न देने की एक बार फिर से मांग उठ गई है और विधायक के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष ने वहां पर उनके प्रांगण में ही जाकर, जहां पे वो रहते हैं उनके प्रांगण में ही जाकर जमकर नारेबाजी की है। और इसके साथ बताते चले कि बीजेपी में गुटबाजी पहले से ही चल रही थी लेकिन अब कांग्रेस में भी, कांग्रेस पार्टी में भी बीजेपी बता दे कि गुटबाजी देखने को मिल रही है। तो वही विरोधी खेमा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और रामपुर कांग्रेस का आस्था के स्थल पर सिर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के राजमहल प्रांगण में ही विधायक के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की है और इसके साथ ही एक बार फिर से वर्तमान विधायक को टिकट न देने की वहां पर मांग की गई है। मेरा नाम हरीश लक्टू, एक्स वाइस चेयरमैन नगर परिषद रामपुर बुशहर। इसलिए खपा है, 15 साल से हम विधायक नंदलाल जी को देख रहे हैं, जिस तरह का उनका कार्य प्रणाली हमने जो देखी है, हमने जनता के बीच वोट मांगे, हमने वादे किए हम ऐसा काम करेंगे वैसा काम, जब हम नंदलाल के पास जाते वो सुनता नहीं हमारी। तो ऐसा व्यक्ति हार्मफुल है रामपुर क्षेत्र के लिए, इसलिए हम चाहते हैं ये सीट अनुसूचित जाति के लिए है। अनुसूचित जाति जो 97% जो लोग हैं उस समुदाय से हम कैंडिडेट चाहते हैं, 3% वाला हमको नहीं माने। इसलिए 15 साल हमने देख लिए, ये भी इतने लोग बेचारे हैं, क्या इनके पास, इनके बीच कोई लायक आदमी नहीं है? है, हमारे पास बहुत है। हम रानी साहब से भी कहना चाहते हैं कि भी नंदलाल को हटाओ अगर आपने रामपुर को बचाना है, नहीं तो रामपुर की जो सीट जा रही है कहीं भी जा सकती है ये, इसलिए नंदलाल को हटाना जरूरी है। अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति को आप टिकट दो, हम उसको भारी बहुमतों से विजयी बनाएंगे और हम चाहते हैं टिका साहब हमारे जो है मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री नहीं तो मंत्री तो बने। यहाँ तो जो नंदलाल के चमचे हैं वो चाहते हैं कि नंदलाल जी मंत्री बने, हम नंदलाल को मंत्री नहीं, हम विधायक हमारे जो राजा विक्रमादित्य सिंह है उनको देखना चाहते हैं। नंदलाल अगर वाकई सच्चा सफाई है राज दरबार का तो सीधा ही बोले रानी साहब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। देखिए, कार्य समिति के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ अगर पार्टी ऐसा व्यवहार करती है तो मुझे उचित नहीं लगता कि हमारे को पार्टी के साथ बने रहना चाहिए। जहां कार्यकर्ताओं की कोई कदर ना हो, अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हम सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। बिल्कुल, और हमारा आजाद उम्मीदवार लड़ेगा और लड़ेगा, और नंदलाल हमको मंजूर नहीं, और नंदलाल कदापि मंजूर नहीं, चाहे जो उसको हराने के लिए तन मन धन जो भी लगता है वो हम यूज करेंगे। नहीं ले तो अपने गहने तक देने को तैयार है, बोला हम तो वो भी देंगे तुम्हारे। मैं मानता हूँ टिकट दिल्ली से आ सकती है लेकिन वोट तो दिल्ली से नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। वोट कार्यकर्ताओं के साथ है। आज हमारे 500 लोग यहाँ खड़े हैं, अगर 5-5 वोट भी कमाएंगे तब भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना वोट है। खबर हिमाचल के शिमला से है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर जिले के कोटीपुरा में एम्स का उद्घाटन किया और 247 एकड़ क्षेत्र में करीब 1471 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 750 बिस्तरों वाले इस संस्थान में प्रदेशवासियों को अत्याधुनिक और सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहीं नालागढ़ में 350 करोड़ रुपए के मेडिकल डिवाइस पार्क और भारतमाला परियोजना के तहत 1692 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली पिंजौर नालागढ़ फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का भी उन्होंने शिलान्यास किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोटीपुरा में एम्स का उद्घाटन किया और इसके साथ ही उन्होंने इसको देश को समर्पित किया है।
तो वहीं इसके साथ ही बताते चले कि 247 एकड़ क्षेत्र में करीब 1471 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 750 बिस्तरों वाले इस संस्थान में प्रदेशवासियों को अत्याधुनिक और सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी और नालागढ़ में 350 करोड़ रुपए के मेडिकल डिवाइस पार्क और भारत माला परियोजना के तहत 1692 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पिंजौर नालागढ़ फोर लेन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का शिलान्यास किया। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह हमारा सौभाग्य है कि आज विजयदशमी के इस पावन अवसर पर इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश को अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं हिमाचल प्रदेश की लाखों जनता की ओर से आपका इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। विजयदशमी के इस पावन अवसर पर भी आप देवभूमि हिमाचल प्रदेश में यहाँ बिलासपुर में हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। हम एहसान चुकता नहीं कर सकते, इन बातों को हम भूल नहीं सकते। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हिमाचल की जनता भी आपको बहुत प्यार करती है, बहुत स्नेह करती है। बहुत सारे लोग हौसला छोड़ जाते थे कि दिल्ली जाना मुश्किल, दिल्ली जाकर के इलाज करना मुश्किल, लेकिन आपने इस पहाड़ की इस पीड़ा को समझा और आपने हम हिमाचल वालों के लिए एम्स का मतलब बिलासपुर कर दिया, इसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। जहां ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन की रस्म और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की भी रस्म जो है उद्घाटन की पूरी होगी, और उसके साथ साथ में हम हिमाचल के लोगों के लिए मेडिकल डिवाइस पार्क और हिमाचल के लोगों के लिए हमारी पिंजौर से नालागढ़ की जो फोर लेन, इनका भूमि पूजन भी आज आपके कर कमलों द्वारा हो रहा है। स्वाभाविक रूप से ये सारे प्रोजेक्ट जो है कुल मिलाकर के हम देख रहे हैं कि 3653 करोड़ रुपए के हिमाचल के लिए आज विजयदशमी के अवसर पर हमको भेंट दे रहे हैं, सप्रेम भेंट दे रहे हैं, आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हिमाचल छोटा प्रदेश है, आपके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है और 5 वर्ष के इस कार्यकाल में हमने प्रयत्न किया है ईमानदारी के साथ इस हिमाचल प्रदेश देवभूमि को देव संस्कृति के अनुरूप जो है, यहाँ की संस्कृति के अनुरूप जो है आगे बढ़ाने का। ये ऐतिहासिक घड़ी जिसमें हम सबके मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हैं, यह हम सबके लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, यह हम सबके लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल है। विजयदशमी के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक नहीं अनेकों स्कीम की सौगात हिमाचल प्रदेश की जनता को समर्पित करने के लिए आए हैं। मैं इस ऐतिहासिक दिन पर और इस ऐतिहासिक पल पर आप सबकी ओर से और हिमाचल के तमाम बहनों भाइयों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। आज हमको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिला है, हिमाचल को 70 लाख की आबादी और एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। प्रधानमंत्री जी, हिमाचल का एक एक व्यक्ति सदा आपका ऋणी रहेगा, आभारी रहेगा। हम याद रखेंगे, हम हिमाचली बहुत मन के पक्के लोग हैं, हम लोगों को प्यार चाहिए और जो आपने प्यार दिया है उसको हम ब्याज समेत लौटाएंगे, इस बात का हम आपको वायदा करते हैं। एम्स अस्पताल 1470 करोड़ का, 750 बेड का, 100 सीट का मेडिकल कॉलेज, 7 सीट का नर्सिंग कॉलेज, 64 बेड का ICU वार्ड और 18 सुपर स्पेशलिटी लेकर 1470 करोड़ रुपए की लागत से बनकर आज राष्ट्र को समर्पित करने नरेंद्र मोदी जी आए हैं देश के प्रधानमंत्री, में उनका बहुत बहुत आभार उनके लिए प्रकट करता हूं। यही नहीं मित्रों, 140 करोड़ रुपए की लागत से गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज कोई और नहीं बना सकता था, यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको युवाओं को दिया है, इसके लिए भी उनका बहुत बहुत आभार।
नाहन हो, चंबा हो, अमीरपुर हो, मेडिकल कॉलेज से लेकर एम्स अस्पताल से लेकर पीजीआई सैटेलाइट सेंटर भी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही दिया है। ट्रिपल आईटी हो, आईआईटी मंडी हो, आईआईएम सिरमौर हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा या धर्मशाला हो, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर हो, एक के बाद दूसरा बड़ा शिक्षा का केंद्र हो या स्वास्थ्य का केंद्र हो, ये जो कोई नहीं दे पाया ये भी मोदी जी ने ही संभव करके दिखाया है मेरे भाई और बहन। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।